देखिएगा बच्चों, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी एक्सरसाइज आपकी 1.5 है ना, चैप्टर नंबर 1, क्लास 11th सेट्स चैप्टर है हमारा, उसकी 1.5 एक्सरसाइज हो रही है हमारी। इससे पहले सारी एक्सरसाइजेज मैं आपको करा चुका हूँ, आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। तो अब देखिए, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। लिखा हुआ है आपका, लेट यू इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस। पूछा है आपसे उसने ए डैश, ए डैश का मतलब है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और ये पूछे हैं आपके अलग अलग। तो देखिएगा, मैं सारे पार्ट्स आपको वन बाय वन करके दिखा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ए डैश पूछा है आपसे, तो ए डैश का मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यानी यू माइनस ए। मैंने ये यू की वैल्यू लिखी और माइनस ए, ये रहा आपका। अब इसमें से इसको माइनस करने का मतलब हुआ कि यू के वे एलिमेंट्स जो ए में नहीं आते। तो आप देखिएगा बच्चों, वन आपका आता है तो नहीं, टू भी, थ्री भी, और ये फोर भी, ये सब आते हैं तो ये नहीं लिखेंगे। और बाकी क्या लिखेंगे आप इसमें, फाइव, सिक्स, सेवन, एट और नाइन। इसी तरह से आप देखिएगा इसमें सेकंड पार्ट आपका बी डैश पूछा था, तो बी डैश क्या है आपका, यू माइनस बी, यू की वैल्यू ये रही और माइनस बी ये रहा आपका। तो इसमें टू और फोर और सिक्स और एट, ये देख लीजिए कॉमन आ गए, तो ये हटा दीजिए। बाकी जो बचे आपके पहले वाले में वो आप लिख दीजिए सारे। तो आपने वो लिख दिए, सारे लिख दिए, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, आपसे उसने पूछा है ए यूनियन सी का होल डैश, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन सी। तो पहले मैं ए यूनियन सी निकाल लेता हूँ, तो ए यूनियन सी कितना आएगा आपका, आप देखिएगा, वन और टू भी आ गया, थ्री कॉमन है तो थ्री भी आ गया, और अगर कॉमन नहीं भी होता तब भी आ रहा था, फोर भी आ गया, और उधर फाइव बचा वो भी लिख लीजिए, सिक्स भी, एज ए एलसीएम मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यू में से इसको माइनस कर दीजिए। तो अब आप देखिएगा ध्यान से, यू की वैल्यू, यू की वैल्यू बच्चों कितनी थी आपकी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन, और माइनस इसमें से क्या करना है आपने, ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी की वैल्यू कितनी ये रही आपकी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो अब आप देखिएगा क्या नहीं आएगा इसमें आपका, वन नहीं आएगा, टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये कुछ नहीं आएगा, तो क्या आएगा आपका, सिर्फ सेवन एट एंड नाइन। अब आप देखिएगा, उसने ए यूनियन बी का होल डैश पूछा, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो बच्चों इसमें आप क्या करेंगे, होमवर्क में आप कर लीजिएगा इसको, ठीक है, जैसे भी मैंने आपको करके दिखाया ऊपर। अब आप यहाँ पर देख लीजिए जरा ध्यान से, है ना, कि क्या है आपका ए डैश ऑफ डैश, यानी कि क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश, या आप कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो ए डैश निकाल रहा हूँ मैं पहले, तो क्या किया मैंने, यू माइनस ए कर दिया, ये यू है ये आपका ए है, तो मैंने क्या किया इसमें से इसको माइनस किया, तो वन टू थ्री फोर, और आप पहले भी निकाल चुके हैं डैश ऊपर, तो क्या आएगा आपका इसमें, फाइव सिक्स सेवन और एट और नाइन। अब अगर ए डैश का भी डैश निकालना है आपने, तो क्या करेंगे, यू माइनस ए डैश करेंगे ना, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, यानी कि आपका फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब आप इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, तो माइनस करके जो आ रहा है ना आपका, आप ध्यान से देखिएगा माइनस करके क्या आ रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए बच्चों, वन आ रहा है, टू थ्री फोर और फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, ये सब इसमें कैंसिल हो गए, तो आया वन टू थ्री फोर, और ये वैल्यू किसकी है, ए की है। तो हमें ये पता चलता है, अगर ए डैश का भी डैश करते हैं तो क्या आता है, वापिस ए ही आ जाता है आपका। अब आप देखिए इसमें नेक्स्ट कौन सा आपका, सिक्स्थ पार्ट, तो सिक्स्थ पार्ट में आपने क्या करना है बच्चों, बी माइनस सी, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले मैंने बी माइनस सी फाइंड करना पड़ेगा, तो बी माइनस सी मैंने फाइंड किया, तो ये बी और ये माइनस सी, तो आप देखिएगा इसमें ये फोर आपका कैंसिल, एक तरह से सिक्स आपका कैंसिल, तो बचा क्या आपका, टू और एट आपका आ गया। अब आपको क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो क्या होगा, यू माइनस बी माइनस सी आपका आएगा। तो आप इसमें क्या करने वाले हैं बच्चों, ये यू की वैल्यू लिखिए और ये बी बी माइनस सी की वैल्यू लिख दीजिए। अब आप देखिए, टू और एट को छोड़कर, टू और एट को छोड़कर आप सब लिख दीजिए क्या, वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड नाइन, ये सारे आ गए आपके, है ना। अब आप देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट आपका कौन सा पार्ट है,
सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है आपको, इफ यू इज इक्वल टू दिस फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अगर यू आपका ये है तो आप इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालिए। ए आपको दिया है तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यू माइनस ए, तो यू आपने लिखा कितना है आपका ये पूरा और माइनस ए। अब आप देखिए ए को बी को सी को छोड़कर है ना, ये कॉमन आ रहे हैं, इनको छोड़कर आप बाकी सब लिख दीजिए डी ई एफ जी एच, ये आपने बाकी सारे लिख दिए। अब आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये आप होमवर्क में करेंगे, सारे पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे, ये आप बड़े इजी वे में कर सकते हैं। अब बच्चों इसमें थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, है ना, नेचुरल नंबर के सेट को आप यूनिवर्सल सेट मान लीजिए उसने बोला है। आगे राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, जो नीचे सेट्स दे रखे उनके कॉम्प्लीमेंट्स लिखिए। तो आप देखिए आपको ये जो सेट दिया इसको मैंने ए लेट कर दिया, तो ए है आपका क्या, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो बच्चों आपको अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए का तो ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए करेंगे, तो यू क्या था आपका नेचुरल नंबर सारे और ये इवन है, तो नेचुरल में से इवन गए तो क्या बचे आपके ओड बचे। इसी तरह से आप देखिएगा नेक्स्ट बी या सेकंड पार्ट, बी लेट कर दिया मैंने इसको, क्या है ओड नेचुरल नंबर। अब इस बार अगर यू में से बी माइनस करेंगे, यानी यू क्या था अभी मैंने आपको बताया आपका नेचुरल नंबर का सेट, तो टोटल नेचुरल नंबर में से अगर हम कौन से नेचुरल माइनस करेंगे जो ओड है, तो आपका क्या बचेगा यू माइनस बी, मतलब इवन आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा बच्चों आपका इवन। और अगर देखा जाए तो आप इसको क्या कह सकते हैं, ए कह सकते हैं, और जो ऊपर वाला आपका आंसर आया था उसको आप क्या कह सकते हैं बी, क्योंकि ये बी क्या है आपका, उसने दे रखा है इस क्वेश्चन में ऑड नंबर का और ए क्या दे रखा है आपको इवन नंबर का सेट, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं, थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट में बच्चों एक्स सच डेट सी मान लिया मैंने, एक्स सच डेट है इज अ, एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ थ्री। तो आप देखिएगा अगर यू माइनस सी करूँगा, यू का मतलब क्या है सारे आपके जितने भी नेचुरल नंबर से वो, उसमें से आप थ्री के मल्टीपल सटा दीजिए, तो क्या बचा एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ क्या थ्री, सिंपल है बिल्कुल, है ना, जब टोटल नेचुरल नंबर में से आप कौन से माइनस करेंगे, कौन से वाले माइनस करेंगे आप इसमें से सारे के सारे थ्री के मल्टीपल्स, तो क्या बचेंगे जो थ्री के मल्टीपल्स नहीं होंगे। अब आप देखिएगा इसमें फोर्थ पार्ट बच्चों, तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू क्या है आपका, एक्स इज अ प्राइम नंबर। तो अगर आप इस बार इस नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर को माइनस कर देंगे तो कौन से नेचुरल नंबर बचेंगे जो प्राइम नहीं होंगे, एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, समझ रहे हैं आप। नेक्स्ट देखिए आप फिफ्थ पार्ट, तो फिफ्थ पार्ट आप देखिएगा ध्यान से बच्चों, इसमें आपको क्या दिया है उसने, ई इज इक्वल टू एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई थ्री एंड फाइव। तो अगर एक्स ये क्या है आपका, ई आपका एक ऐसा सेट है जिसमें थ्री और फाइव से डिवाइड होने वाले नंबर्स आते हैं, तो अगर टोटल में से माइनस कर दो टोटल नेचुरल नंबर में से, तो क्या बचेंगे जो थ्री और फाइव से डिवाइड नहीं होते, बस ये आ गया आपका। देखिए सिक्स पार्ट, सिक्स में मैंने एफ मान लिया इसको, और ये क्या है आपका, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप ये बताइए बच्चे, अगर परफेक्ट स्क्वायर माइनस कर देंगे नेचुरल नंबर में से, तो कौन से नेचुरल नंबर बचेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, नोट आ गया। इसी तरह नेक्स्ट में क्यूब का है परफेक्ट क्यूब, तो कौन से वाले बचेंगे आपके जी डैश में, आपके क्या बचेंगे जो कि क्या नहीं होंगे, परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। इसी तरह से आप देखिएगा एच, एच के बारे में उसने क्या बोला है, ये दिया था एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू एट, तो ये फाइव उधर जाकर माइनस हो गया, कितना बचा आपका थ्री, तो एच इक्वल थ्री आ गया आपका। अब यू माइनस एच का मतलब क्या हुआ, सारे नेचुरल नंबर में से थ्री को माइनस कर दीजिए, तो क्या बचा आपका, सारे नेचुरल नंबर बचे बस थ्री को छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्टेड थ्री। अब आप यहाँ देखिएगा एक्स, ये आपको मैंने होमवर्क में दे दिया बच्चों, है ना, ये बिल्कुल इसी के ऊपर वाले की तरह है। अब ये नेक्स्ट देखिएगा बच्चों, कौन सा आपका टेन पार्ट, ठीक है, टेन पार्ट में आपको क्या दे रखा है, टेंथ में आपको ये एक्स सच डेट एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू सेवन, हालांकि यहाँ पर ये गलत ही दे रखा है, एक तरह से गलत भी नहीं, इनकम्प्लीट है, उसने बोलना चाहिए था कि नेचुरल नंबर है ना। चलिए खैर कोई नहीं, ये क्या आपका सेवन और मोर देन सेवन हो गए, तो कौन से होंगे आपके सेवन एट नाइन टेन डॉट डॉट डॉट। अब ये यू माइनस के कर रहा हूँ, तो यू कितना है आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, मतलब डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव, इसमें से मैंने इसको माइनस किया तो सेवन और उससे ऊपर के सारे नंबर गए, बचे क्या आपका सेवन से लेस देन, यानी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बचा आपका।
अब आप देखिएगा इसका 11th पार्ट। तो 11th पार्ट में आपको क्या दे रखा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये एल मान लिया मैंने इसको, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 2x+1 ग्रेटर देन 10। ये उधर जाकर माइनस हो गया, कितना बचा आपका, ये कितना बचा आपका, माइनस होकर 9। कितना बचेगा बच्चों, ये आपका 9, और 9/2 से बड़े, 9/2 का मतलब होगा 4.5, है ना। तो 4.5 से बड़े आपके क्या होंगे, क्या नेचुरल नंबर्स, तो बड़े क्या होंगे आपके, 5 भी आएगा बच्चों इसमें ना, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटिव। अब आप देखिए इसमें से अगर आप इसको माइनस करेंगे, और इसमें क्या बताया मैंने आपको, 5 भी आएगा, है ना। यहाँ पर जो है आपका 5 भी है इस वाले में, ये ऊपर है ना, 5, 6, 7, 8, 9। और इसमें से अगर इसको माइनस करूंगा तो अब यहाँ पर आपका ये 5 नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया सिंपल सा, आप देख सकते हैं इजीएस्ट वे में एकदम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इफ यू इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई दैट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये बच्चों मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में पढ़ाया था, डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं ये आपके, है ना। एक ए यूनियन बी का वोल्टेज जो होता है वो इंटरसेक्शन में बदल जाता है खुलकर, और अगर इंटरसेक्शन का वोल्टेज होता है ये नीचे वाला सबसे, तो ये किस में बदल जाता है, यूनियन में। तो इन डिमॉर्गन्स लॉ को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकंड की जगह क्या दे सकता था, वेरीफाई दी क्या, डिमॉर्गन्स लॉ। तो आप ध्यान से देखिएगा, ए यूनियन बी आपने पहले फाइंड कर दिया है, ए यूनियन बी यानी ए की वैल्यू और यूनियन बी की वैल्यू। अब इनमें क्या है आपका, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 और 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है, सारे आ गए। अब आपको क्या चाहिए, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी क्या, यू में से माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया बच्चों, इसमें ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मैंने यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर दिया, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 2 आ रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे कॉमन आ रहे हैं, तो 1,9 आपका बचा सिर्फ। अब आप देखिएगा, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपके एक तरह से। अब आप देखिएगा आपको क्या चाहिए, ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसके लिए पहले मैंने ए डैश फाइंड कर लिया, ए डैश कैसे फाइंड होगा आपका, यू माइनस ए करके। तो यू लिखा मैंने और माइनस ए लिखा। अब देखिए इसमें से इसको जब मैं माइनस करूंगा तो ये बचेगा आपका, ये कैसे बचा आपका, 1 इसमें, इसमें नहीं है, 2 इसमें, इसमें भी है, तो ये तो आपका नहीं रहा, 3 आपका आएगा ये रहा, और ये 4 आपका इसमें भी है, इसमें भी है, 5 आपका आ गया, 6 आपका इसमें भी है, उसमें भी है, 7 आपका आ गया, और 8 आपका इसमें भी, उसमें भी, और 9 आपका आ गया। इसी तरह से यू माइनस बी निकाला बच्चों मैंने। अब क्या करना है, मैंने ए डैश और बी डैश में क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। तो इसका इंटरसेक्शन भी कितना है, 1,9, यानी दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल आ गई बच्चों। और ये जो आपका सेकेंड पार्ट है ये आपका होमवर्क है। देखिएगा बच्चों, 5th क्वेश्चन आपका, ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ए यूनियन बी का होल डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इनका, इसी तरह 4 है आपके, लेकिन अगर मैं ध्यान दूं तो ये दोनों तो यार इक्वली हैं, ये दोनों तो सेम वैल्यूज होती है आपकी डिमॉर्गन्स लॉ से, और ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं, यानी अगर एक का डायग्राम बना दें तो दूसरे का आप उसी को लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो अब आप देखिए मैंने लिखा फर्स्ट एंड सेकंड बोथ हैव सेम वेन डायग्राम। क्यों रखेंगे वेन डायग्राम, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है डिमॉर्गन्स लॉ से। तो मुझे ये निकालना है ए यूनियन बी का होल डैश। तो ए यूनियन बी कैसे निकलेगा आप ध्यान से देखिए, वेन डायग्राम से मैंने ए देखा सिर्फ, ए का मतलब ए को मैंने पूरा, ए के रीजन को मैंने फिल कर दिया, फिर बी, बी को भी मैंने पूरा फिल कर दिया। अब मुझे ए यूनियन बी चाहिए सबसे पहले, तो ए यूनियन बी कैसे आया, इन दोनों में जो कॉमन है वो भी, और जो बाकी बचा हुआ है ए और बी में वो भी, तो ये पूरा ही भर जाएगा आपका, पूरा भर गया। अब मुझे ए यूनियन बी नहीं चाहिए बच्चों, बल्कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए आपका ये ए यूनियन बी का होल डैश। तो अगर मुझे ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको यू में से माइनस करना पड़ेगा। तो यू का मतलब होता है पूरी रेक्टेंगल बेटा, है ना, पूरा प्लेन जो होता है आपका ये यू होता है, और माइनस ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अभी मैंने निकाला है ना ये रहा, तो यही आपने लिख दिया यहाँ पर।
अब इसमें से इसको माइनस करना है, तो आप देखिए पूरी रेक्टेंगल में से अगर आप ये सर्कल्स माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा आपका बार बार का। तो ए यूनियन बी का होल डैश या ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये सब इक्वल आ गए आपके। अब आप देखिएगा थर्ड और फोर्थ भी इसी टाइप से आप कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ में ये ए है ये बी है, लेकिन इस बार इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन पार्ट हो, तो ये वाला पार्ट कॉमन आ गया बच्चों। तो ए इंटरसेक्शन बी निकल गया मेरा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक है। तो ये फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये यू लिखा मैंने और यू में से माइनस कर रहा हूं मैं किसको, इंटरसेक्शन बी को। तो देखिए इस बार पूरी यू में से सिर्फ ये वाला पार्ट माइनस करना है, तो ये खाली छोड़ दीजिए, बाकी सब भरा हुआ। और जो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी, वही कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट बी की भी होगी। इस क्वेश्चन की बच्चों लैंग्वेज समझना, लेट यू बी दी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यू जो है आपका सेट है आपका ऑल ट्राइंगल्स का इन अ प्लेन। इफ ए इज दी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, और ये जो है आपका ए आपका एक ऐसे ट्राइंगल्स का सेट है जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इक्विलेटरल ना हो, है ना। अगर किसी भी ट्राइंगल का कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग होगा तो वो कभी भी इक्विलेटरल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ए उसने क्या दिया है, ए क्या दिया, एक्स इज सच दैट एक्स इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, और यू क्या है आपका ऑल ट्राइंगल्स। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए अगर मुझे ए डैश निकालना है तो यू माइनस ए करूंगा, और अगर आप सारे ट्राइंगल में से सिर्फ वो घटाएंगे जो इक्विलेटरल नहीं है तो कौन से बचेंगे जो इक्विलेटरल हैं आपके, बस हो गया सिंपल सा। अब आप देखिएगा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये क्या दे रखा है आपको, ये उसने दिया फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपको बताने कि इसमें कौन कौन सी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके सामने मैंने जो भी लिखना है ट्रू करने के लिए, ये जो आपको दे रखा है ब्लैंक्स ये फिल करना जिससे ट्रू हो जाए। तो आप देखिएगा ए यूनियन ए डैश, वही मुझे नहीं पता यार कैसे होगा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, ए लेट कर लिया कुछ भी लेकिन छोटे से छोटा 1.2, और यू आपका ऐसा जो बस इससे बड़ा हो, यानी इसके लिए आपका क्या हो, यूनिवर्सल सेट हो। तो यू आपने क्या लेट कर लिया 1 2 3। अब आप देखिएगा आपको ए चाहिए था, ए आपके पास है, ए डैश चाहिए तो ए डैश पहले ही निकाल लिया आपने, यू माइनस ए कर लिया तो कितना है आपका, यू आपका ये है, उसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या है आपका 3 आ गया। अब आप ध्यान से देखिएगा अगर आप ए यूनियन ए डैश करते हैं तो क्या आएगा बच्चों आपका, ए की वैल्यू और यूनियन ए डैश की वैल्यू, तो इसमें यूनियन करने पर क्या आ रहा है आपका 1 2 3, यानी ये वैल्यू किसकी, वापस यू की आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इन दोनों का यूनियन निकालने पर क्या आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है। अगर किसी भी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा यू आएगा। तो यहां पर मैंने क्या फिल कर दिया बच्चों, फिर यू। अब आप देखिएगा नेक्स्ट इसमें जो सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट में क्या आपका 5 डैश इंटरसेक्शन ए, 5 डैश का मतलब है यू माइनस फाइव, और यू माइनस फाइव करके यू आ जाएगा और इंटरसेक्शन ए, और फिर आप यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन लगाते हैं तो वह खुद आ जाता है, यानी कि ए आ जाएगा आपका, और अगर यूनियन लगाते हैं तो फिर क्या आता है, यू आता आपका। अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन ए डैश, अभी आपकी वैल्यू रखी हुई है, ए की वैल्यू 1.2 है और आपकी ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए डैश की वैल्यू कितनी है 3। तो आप देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है आपका, तो क्या आ रहा है आपका 5, कुछ आ ही नहीं दिया तो 5 लिख दिया मैंने। और आपका देखिए यू डैश इंटरसेक्शन ए क्या आएगा आपका, यू डैश का मतलब हुआ आपका यू माइनस यू यानी 5 और इंटरसेक्शन ए, और फाइव का किसी के साथ आदमी इंटरसेक्शन करते हैं तो क्या आता है, 5 आता है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है, आप अच्छे से कीजिए, फिर आपको मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कराता हूँ।